तो हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा मैं अर्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पीएन टिप्स में। तो भाई, आज की जो वीडियो होने वाली है, आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। और आपने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो में मैंने कौन से टॉपिक आपका डिस्कस किया है, ठीक है। और जिस भाई को नहीं पता, उस भाई को मैं बता देता हूँ। जैसे कि यार, कबूतर के साथ इन्फेक्शन हो जाता है, कबूतर को कोई बीमारी हो जाती है, तो भाई उस बीमारी को हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, उस बीमारी को, और दूसरे कबूतर के ना हो जाए तो उस बीमारी को हम भाई कैसे रोक सकते हैं, आज पूरी वीडियो इसी पर बताइए। तो वीडियो भाई एंड तक देखिएगा, और अब मैं आपको बताऊँगा, रीज़न भी बताऊँगा और उसका इलाज भी बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, और अभी तक यार जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जाके यार सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई, जिस चीज़ का मैं आपको इलाज बताने वाला ना, इन्फेक्शन किस हिसाब से इन्फेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको पूरी अच्छी तरीके से। तो भाई, जो जैसे कि आप देखते हो गए, कबूतरों को आँख की बीमारी हो जाती है, या फिर आप कहते हो लकवा आ जाता है कबूतर के, या मुँह का इलाज जिसे हम ठोट कहते हैं, ठीक है, या कबूतर की हड्डी निकल आ जाती है, सूखे का इलाज जिसे बोलते हैं, ठीक है, लकवे का इलाज, ये जितनी भी बीमारियाँ होती हैं ना, जैसे एक कबूतर को हो गई, ये सब महामारी है एक तरह से, ठीक है, ये महामारी है। जैसे एक कबूतर को हो गई तो वो दूसरे कबूतर को भी होने का चांस है, ठीक है, दूसरे के कबूतर को भी होने के पूरे पूरे चांस होते हैं, क्योंकि हम जो प्याला रखते हैं उसमें सभी कबूतर, बीमार कबूतर भी उसी प्याले में पिएगा, और जो हमारा जो स्वस्थ कबूतर होगा, बिल्कुल सही साठ कबूतर होगा, वो भी उसी प्याले में पिएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस बीमारी को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो, इन्फेक्शन की एक दवा आती है, ठीक है, वो आप लगा सकते हो अपने कबूतर पे, और वो जो दवा होगी वो वहीं की वहीं इन्फेक्शन को रोक देगी, और किसी कबूतर, आपके किसी भी कबूतर को नहीं होने देगी। वो हफ्ते में दो बार दी जाती है, ठीक है, और आपके कोई भी कबूतर बीमार नहीं होगा। अगर एक कबूतर आपका बीमार हो रहा है तो दूसरा कबूतर वही बीमारी से बीमार नहीं होगा, ठीक है, ये सबसे कंपलसरी बात है और बढ़िया बात है, ठीक है। तो मैं आपको दवाई बता देता हूँ, और इस दवाई के यार खास रीज़न, बढ़िया चीज़ ये भी है, जैसे कि आपका जो मैंने बताया था हरी बीट का, ठीक है, हरी बीट का मैंने बताया था, ठीक है, तो वो जो मैंने आपको पाउडर बताया था, अगर आप वो पाउडर नहीं पिला सकते हो तो ये दवा भी दे देना, ठीक है, ये भी काम चला हुआ है, ठीक है, ये भी हो जाती है, मगर वो सबसे बढ़िया वही बेस्ट दवा थी जो मैंने आपको बताई है, और ये भी उसमें लग जाती है, मगर ये उतने अच्छे से काम नहीं करती है, और वो वाली ज़्यादा अच्छे से काम करती है, तो आप वाली लगा लेना, ठीक है, मैंने कल वाली वीडियो डाल के रखी है, वो वाली आप दे सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ दवा का नाम क्या है, जो इन्फेक्शन रोक देती है आपके कबूतर को, किसी दूसरे कबूतर की बीमारी आपके स्वस्थ कबूतर को नहीं हो पाएगी। तो ये है भाई जो दवा, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मार्कोजील, ये आप देख रहे हो नाम, मार्कोजील, ये आपको जो दवा है ना, ये आपको मिलेगी हमारे जो जानवर के जो मेडिकल स्टोर होता है ना, वहाँ पर मिल जाएगी। और हिंदी में देखो ये नाम लिखा है, देख रहे हो भाई, हिंदी में ये नाम लिखा है, और ज़्यादा महंगी ये दवा भी नहीं आती है। आपको मैं इसके प्रिंट भी दिखा देता हूँ, 49, ठीक है, ये देख रहे हो आप, 49, इसमें मेरे को मिले थे चार, ठीक है, और उसने मतलब 15% लेस करके दिया था, 15-20% मुझे लेस करके दिया था। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि 10 रुपये की आपको ये दवा पड़ेगी एक, ठीक है। तो हफ्ते में आपको 2 दिन लगा देनी है, तो आपका कबूतर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, और 100 कबूतर पर ये आपकी पूरी एक टैबलेट लगेगी, ठीक है, 100 कबूतर पर ये आपकी पूरी एक टैबलेट लगेगी। इतनी बड़ी देखो टैबलेट है भाई, देख रहे हो, इतनी बड़ी टैबलेट है। आपको क्या करना है, इस प्याले में बस उसको घोल लेना है, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेती है, तो आप जब आखिरी में पानी लगाने वाले होगे ना, तो 15 मिनट पहले ही आपको ये भिंगो लेनी है, तो अपने आप ही वो मतलब घुल जाएगी, ठीक है, आपको घोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेहनत नहीं लगेगी आपकी, ठीक है, तो मेहनत बच जाएगी एक तरह से कहा जाए, ठीक है, तो मेहनत बचाना तो यार सबको अच्छा लगता है। तो भाई ये देख लो, फिर से आपको स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप, ये देखो मार्कोजील है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई आप, और आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। आपके कबूतर को किसी कोई भी इन्फेक्शन होगा, जैसे आँख की बीमारी है, आपको सूखे का इलाज हो रहा है, ठीक है, सूखे की बीमारी है, लकवे की है, तो एक कबूतर से सबके कबूतर के हो रही है, तो वो कबूतर को ये बीमारी रोक देगी, ठीक है, वो जो एक कबूतर से दूसरे कबूतर को बीमारी फैल रही है, तो वो महामारी की जो बीमारी है वो आपके कबूतर को ये दवा रोक देगी, ठीक है, वो बीमारी नहीं होने देगी ये दवा से। तो आप ये दवा ले आइए और अपने कबूतर को दे दीजिए, अगर आपका कबूतर बीमार है तो, और बीमारी फैल रही है तो, तभी दीजिएगा ना, कोई देने का फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो हफ्ते में 2 बार लगानी है आपको, 100 कबूतर पे पूरी एक टैबलेट लगेगी, 50 कबूतर पे भाई हमारी ये आपका लेना इसकी हाफ, और अगर आपका 25 कबूतर है तो भाई 1/4 दे देना, ठीक, तो उससे अगर मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक। तो भाई आप करके देख लीजिएगा, ठीक है, और ये बेनिफिट देती है। मैंने अभी अपने देखो भाई कबूतर को मैं देता हूँ, देखो मैं पूरा एक रैपर लाया था, और बच्चा भाई देखो मेरे पास सिर्फ मात्र एक टैबलेट बची है, पूरा पत्ता लाया था, इसमें 4 टैबलेट होती हैं, 4 या 5 होती है, पता नहीं कितनी होती हैं, 4 या 6 होती है शायद, तो मैं लाया था, तो उसमें मेरे को देखो भाई एक ही बचा,
और बाकी तो सब हमारे ख़त्म हो गए। मैंने अपने कबूतरों को लगा दिया था बीच में, नहीं आपको मैंने दिखाया भी था बीमारी चल रही थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था भाई, ये दवाई आप लगा सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना भाई। ठीक, और वीडियो अगर नहीं भी अच्छी लगे तो भाई डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर डिसलाइक करना तो कमेंट जरूर करना कि भाई डिसलाइक क्यों किया था। ठीक, डिसलाइक करना भी यार जरूरी है। ठीक है, तो ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना है, कभी कभार कमेंट भी कर दिया करो, है ना। चलो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, बाय बाय।